सीबीआई की टीम ने यूनियन बैंक के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सीबीआई के निशाने पर हो सकते हैं कई और लोग। खबर सोनभद्र से है। रॉबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ौरा इलाके में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में शुक्रवार की दोपहर बाद सीबीआई की टीम आ धमकी, जिससे हड़कंप मच गया। इस दौरान शाखा के मेन गेट को बंद कर सीबीआई की टीम जांच पड़ताल में जुटी। कार्रवाई के दौरान यूबीआई की बड़ौरा इलाके में स्थित शाखा में तैनात क्लर्क मनीष अग्रवाल को लोन की फाइल पास करने के एवज में 18,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सीबीआई की टीम में आधा दर्जन लोग शामिल हैं। लगातार कार्रवाई चलती रही। 5 घंटे बाद सीबीआई की टीम आरोपी को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। मौके पर मामले की जानकारी होती रॉबर्ट्सगंज पुलिस भी पहुंची। सीओ सदर राहुल पांडे ने बताया कि सीबीआई लखनऊ के इंस्पेक्टर आशीष कुमार के नेतृत्व में एक टीम आई, जिसको भ्रष्टाचार को लेकर एक शिकायत मिली थी। सीबीआई की टीम ने यूनियन बैंक की रॉबर्ट्सगंज शाखा में छापा मारकर क्लर्क मनीष अग्रवाल को 18,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। बैंक क्लर्क के खिलाफ सीबीआई की टीम ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज करा दी है। जानकारी के अनुसार गारंटरों से बैंक वसूली के मामले में पहले से शिकायत पर एक्टिव सीबीआई पर रिश्वत की शिकायत पर जल्द से जल्द खुलासे का दबाव बना था। पहले से चल रहे मामले में जांच टीम ने सामने आई कि यूनियन बैंक में लोन के लिए गारंटर पड़ने वाले लोगों से ही बड़े पैमाने पर कर्जदार बना दिया गया था। लोन की अवधि का समय बीतता गया। जब लोन गारंटरों के घर बैंक की वसूली की नोटिस पहुंची तो उनकी नींद उड़ गई। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई और शिकायत सीबीआई के पास पहुंची। इस पर सीबीआई ने छानबीन की। इस दौरान सीबीआई को पता चला कि सोनभद्र के बैंक में भी रिश्वत का मामला, जिस पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। सर, यहाँ यूनियन बैंक में छापा पड़ा है, सीबीआई का रेड बताया जा रहा है, क्या है मामला? देखिए, सीबीआई लखनऊ की एक टीम आई है हजरतगंज से, जिसको लीड कर रहे हैं आशीष कुमार सिंह इंस्पेक्टर, और उनके पास ये सूचना थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी क्लर्क के द्वारा रिश्वत ली जा रही है। उस सूचना पर इस टीम के द्वारा आज रेड की गई है, और एक यहाँ के क्लर्क है मनीष अग्रवाल, उनको इनके द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और इसके ऊपर इनके द्वारा एक FIR भी दर्ज है हजरतगंज में सीबीआई के अंतर्गत, और धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? फिलहाल अभी एक ही व्यक्ति मनीष अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, जो यहाँ पर क्लर्क है। कितनी धनराशि लेते पकड़े गए? 18,000 रुपए की बात। इसमें क्या और बैंक कर्मियों की मिलीभगत है? फिलहाल अभी जांच कर रही है सीबीआई, इसकी जांच पूर्ण हो जाएगी तो जैसे डिटेल होगी आपको बताएगा। कितने लोगों की टीम है? लगभग 5 इंस्पेक्टर हैं और 7 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स हैं।